ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हमारा जनवरी तपस्या का मास बहुत सुंदर चल रहा है। हमें तपस्या करनी है और करानी है, युक्त जीवन बनाना है। सभी एक दूसरे को उमंग दिलाते रहें। ये उमंग से भरा जीवन हमें योगयुक्त होने में बहुत मदद करता है। उमंग उत्साह तो हमारे जीवन का श्वास है, ब्राह्मण जीवन का श्वास है। जिन ब्राह्मणों में कुछ करने का उमंग उत्साह न हो, वो तो जैसे कि डेड हो जाते हैं, उनकी सारी खुशी भी नष्ट हो जाती है। यदि हम एक विशेष लक्ष्य को पाने की लगन में मगन रहेंगे, उमंग रहेगी मुझे इतने समय में ये महान लक्ष्य पाना ही है, तो जीवन खुशियों से भरा रहेगा। और जब ऐसी लगन जीवन में होती है, उमंग उत्साह रहती है, तो हमारा तन भी बहुत स्वस्थ रहता है, मन भी स्वस्थ रहता है, और कर्म करने का भी उमंग उत्साह मन में रहता है। हम सोते भी उमंग उत्साह से हैं और उठते भी कुछ उमंगे लेकर हैं। तो जनवरी मास में जबकि हमें श्रेष्ठ तपस्या करनी है, और आप सब अवश्य कर रहे होंगे, अपने मन को श्रेष्ठ उमंग उत्साह से भर कर रखना है, दूसरों को भी उमंग में लाना है। जहाँ उमंगे श्रेष्ठ होती हैं, जहाँ लग्न श्रेष्ठ होती है, वहाँ विघ्न स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। और जहाँ लग्न का अभाव है, वहाँ व्यर्थ चलता है। जहाँ कोई उमंग उत्साह जीवन में नहीं है, वहाँ अनेक समस्याएं मनुष्य को घेरने लगती हैं। इसलिए उमंग उत्साह में रहना है और साथ साथ बहुत मधुर रहना है जीवन में। बाबा के बच्चे बनने के बाद अपने अहंकार को पहचान कर उसको नष्ट कर देना और मधुरता से अपने जीवन का श्रृंगार कर लेना, यही सच्ची विवेकशीलता है। जो लोग स्वीट एंड सॉफ्ट नहीं हैं, वे योगी भी नहीं बन सकते, क्योंकि जो सरल चित्त है वही सहज योगी बन सकते हैं। जिनमें सरलता का अभाव है, जिनमें अहम का भाव बढ़ा हुआ है, उन्हें योग युक्त होना नितांत कठिन रहता है। तो आइए हम सभी सरलता से भी अपना श्रृंगार करें, इसे अपना आभूषण बनाएं। और सरल चित्त आत्मा के दो विशेष लक्षण रहते हैं। एक, समय पर आवश्यकता अनुसार स्वयं को मोल्ड कर देना, स्वयं को मोड़ देना, स्वयं को झुका देना, झुक कर निकल जाना और तेज गति से दौड़ना। और दूसरा लक्षण रहेगा, एक ने कहा दूसरे ने माना। घर घर में ये दोनों धारणाएं आप अपनाएंगे तो आपके घरों में भी बहुत सुख शांति रहेगी और आपके लिए योग भी सरल हो जाएगा। भगवान हमें भाग्य बांटने आए हैं, ऐसे समय जबकि भाग्य बनाने का समय चल रहा हो, हमें अकड़ कर रहना ये शोभा नहीं देता। हम अपने को झुकाना सीखें। जो झुकता है वही दूसरों को उठा सकता है, जो झुकता ही नहीं है वो तो टूटता रहता है। इसलिए फ्लेक्सिबल तो होना ही है। एक पेड़ की वे टहनियाँ, वे डालियाँ जो बहुत फ्लेक्सिबल हैं, लचीली हैं, तेज हवा चलने पर झूमती हैं, झूलती हैं। और जो पेड़ कड़क है, जो सूखा हुआ है, जो सीधा खड़ा है, जो झुकता नहीं है, वो टूट जाता है। हम भी स्वयं को बहुत लचीला बनाएं। तो आज हम सारा दिन अपने पांचों स्वरूपों का अभ्यास करेंगे। हमारा देव स्वरूप कितना श्रेष्ठ है, कितना पवित्र है, उसको अपने सामने देखकर संकल्प देंगे, ये हूँ मैं।
अपने पूज्य स्वरूप को इमर्श करेंगे। नहीं साधारण नहीं, जन्म जन्म अनेक आत्माओं की मनोकामनाएं पूर्ण करती आई हूँ। यह है मेरा श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन और अब मुझे बनना है फरिश्ता। अपने फरिश्ते स्वरूप को अपने सामने देखेंगे और उसमें स्वयं को समा देंगे। ऐसा अभ्यास सारा दिन करते हुए आज अपना दिन अच्छी तपस्या में व्यतीत करेंगे। तो आप सबको बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति।